क्रांति सूर्य जनरल टेंटर वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ जो इंदौर का जो भी नया नया चौरा बना था जिसे भोरका के नाम से जाने जाते थे पहले, लेकिन अभी वहाँ पर क्या है कि टेंटे भील जी की मूर्ति स्थापना हो गई है। तो वहाँ पर कल क्या है दोस्तों कि मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, तो वहाँ पर जो भी कार्यक्रम रहेगा तो आज मैं आपको विजिट करा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ पर कैसी मूर्ति बनी और क्या कैसा नज़ारा दिखता है वहाँ का। तो अभी मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ वहीं, तो चलो आप वीडियो में बने रहना, पूरे वीडियो में आपको मैं बताऊँगा टेंटे भील चौरा। तो चलो सीधे चलते हैं। Broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. आपको दिखा देता हूँ टेंटे भील चौराहा, दिखा देते हैं आपको वीडियो में देखना। जय हो टेंटे भील जी की जय हो। इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है कल के कार्यक्रम को लेकर। दोस्तों आपको दिखा बना हुआ देखो, यहाँ पर इधर से ऐसा बना हुआ है, कितना अच्छा बना हुआ है देखो। जय हो माँ, जय हो बाबा की, जय हो। इस तरह से बना हुआ है और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर से कि यहाँ पर किस तरह से तैयारी चल रही है कल के कार्यक्रम को लेकर। मज़ा आएगा, आप पूरे ब्लॉग में बने रहना, बहुत अच्छा। और इसके पीछे जो अपने भगवान टेंटे भील जी के पीछे जो बना हुआ वो दिखा देते हैं आपको, किधर से जाना है अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से बना हुआ है। चलो आपको मैं मूर्ति दिखा देता हूँ, मूर्ति से मूर्ति लगी है दोस्तों इस तरह से, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह। कितना अच्छा परिसर लग रहा है दोस्तों, देखो इधर से ऐसा बना दिया है इन्हें। और जय हो टेंटे भील जी की, क्रांति सूर्य जननायक टेंटे भील जी, आप देख सकते हो दोस्तों कितना बेहतरीन बना है यहाँ पर। शानदार बन गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अभी आपको ऊपर का बोर्ड दिखाता हूँ, वहाँ पे बोर्ड भी लगा है, वहाँ पे लिखा है क्रांति सूर्य जननायक, आपको दिखा देता हूँ मैं। और पीछे कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार, जैसा मैंने विजिट कराया आपको। आपको इसका अनावरण कल ही होगा तो कल मैं आपको पूरा बता दूंगा इसमें। चलो आपको सामने से दिखाता हूँ कि अपने टेंटे भील जी की मूर्ति कैसी बनी हुई है। कितना शानदार बन गया है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों की भी तस्वीर साथ में लगा दी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो कमेंट में लिखना जय टेंटे भील, ठीक है, कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूले, जय टेंटे भील,
जय बिरसा मुंडा, जय जोहार करके आपको दिखा देता हूँ कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और यहीं पर अपने अलीराजपुर की जो टीम आएगी, जो बड़वे वगैरह घूमते हैं ना, वो पूरे घूमेंगे। और आप देखना, कल आना सभी, अगर इंदौर में जितने भी मेरे दोस्त यारी साथी है सभी इस कार्यक्रम में पधारना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, इधर से कितना अच्छा बिल्कुल गार्डन वार्डन बना दिया ये देखो बिल्कुल, और ऊपर बिल्कुल बोर्ड लगा है। और इधर से देखो पूरी तैयारी चल रही है कल के लिए, कल के प्रोग्राम को लेकर बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई दिल से दोस्तों, दिल से खुशी हुई कि हमारे पूर्वजों की मूर्ति लगी है। और हमारे पूर्वजों ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, सबसे ज़्यादा हमारे बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इतिहास दबा दिया गया था, लेकिन अभी उनका इतिहास बाहर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं आप पीछे बना हुआ, ये बना हुआ अपना टांड्या भील जी मूर्ति का स्टेचू, और इधर से ये पूरा चौराहा बना हुआ, देखो ये पूरा चौराहा है, इसी को बोलते हैं टांड्या भील चौराहा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिख रहा है, और ये एजुकेशन हब है, यहाँ पर सारे अपने जनजातीय जितने भी भाई बहन सारे विद्यार्थी यहीं पर पढ़ते हैं। आप देख सकते हो पीछे ये बस वगैरह आ रही है, ऐसा बना हुआ है दोस्तों, कैसा रहा देखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, एक नंबर। और कल का कार्यक्रम आप देखना बिल्कुल भी ना भूले, आपने मूर्तियाँ लगा दी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा की भी तस्वीर लग गई है यहाँ पर, और कल इसका अनावरण होगा, तो कल देखना बिल्कुल भी ना भूले। जितने भी मेरे भाई बंधु दोस्त है सभी आना इस कार्यक्रम में, बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बनाया है। आप देख सकते हैं, आपको पीछे से दिखाता हूँ मैं इधर से, आज का ब्लॉग मुझे बताना कमेंट करके, और कमेंट में जय जोहार लिखना जरूर बिल्कुल भी ना भूले, जय जोहार लिख देना, जय टांड्या भील, जय बिरसा मुंडा, और जय जोहार जय आदिवासी लिख देना। और चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल इसमें पूरा बताऊंगा मैं कि यहाँ पर कैसा ओपनिंग रहेगा, कैसा कार्यक्रम रहेगा, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले। और चलो मिलते हैं कल इसी ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए भाई जय जोहार जय आदिवासी।